चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्जन में। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है, हमने देखा। थैंक यू। पहली बार देखा है कि एक बुक के लिए लाइक ट्रेलर इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपका आइडिया था और या किसी और का? देखिए, आजकल बच्चे जो हैं, जो यंगस्टर्स जो मेरी बुक्स पढ़ते हैं, वो काफ़ी फ़ोन में अपने मस्त हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, यू नो, फेसबुक देख रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम उन तक पहुँचें अपनी बुक का मैसेज लेके, और क्यों ना उन्हें जब वो वीडियो देखते हैं तो उन्हें वीडियो दिखा देते हैं 2 मिनट का, कोई बात नहीं, और वो वीडियो से वो बुक में इंटरेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद बुक पढ़ेंगे। सो यही हमारी उम्मीद है, एंड इसीलिए हमने वो लगाया द गर्ल इन द रूम 105। तो ये टैगलाइन और ये, जैसे हम ट्रेलर की बात करें तो एक रोमांटिक फीलिंग भी आ रही है, थ्रिलर भी आ रही है, तो थोड़ा बुक के बारे में। हाँ, पहली बार मैं सस्पेंस वाली एक नॉवल कर रहा हूँ, जो काफ़ी बेस्ट सेलर राइटर्स करते हैं, मैंने कभी नहीं किया है। लव स्टोरी मेरी हर बुक में थोड़ा बहुत लव रहेगा, थोड़ा ह्यूमर रहेगा, थोड़ा मजाक रहेगा, लेकिन इस बार थोड़ा थ्रिलर और सस्पेंस भी है, तो इसीलिए उसका नाम भी ऐसे मिस्टीरियस आया, द गर्ल इन रूम 105, क्या हुआ, कौन है लड़की, क्या हुआ वो सब। तो जो एक लव स्टोरी बताई है आपने इंडिया और कश्मीर की, तो ये थॉट कैसे आया और क्या आपने पहले से ही डिसाइड किया था इस पर बनाने का या इंडिया और कश्मीर भी इंडिया में ही है, मतलब एक हिंदू लड़का और एक कश्मीरी मुस्लिम उसकी गर्लफ्रेंड, आई थिंक जो देश में हो रहा है उस बारे में मैं लिखता हूँ, तो आई थिंक ये भी एक हमारा मुद्दा है कश्मीर का। मैं हमेशा अखबारों में लिखता ही रहता हूँ अलग अलग मुद्दों पे, सो आई थिंक कश्मीर पे भी थोड़ा मैं बताना चाहता था लोगों को, तो इसके लिए मैंने लिखा। तो लगता है इससे अवेयरनेस होगी या फिर उम्मीद तो है, क्योंकि जो यूथ है अक्सर पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं घुसता है, उनको अपनी लाइफ से लेना देना नहीं है, लेकिन एक लव स्टोरी चेतन भगत की बुक के जरिए उन्हें शायद पता लग जाएगा कश्मीर के बारे में। डू यू थिंक, जैसे आपकी 2-3 ऐसी बुक आई जिस पे पिक्चर भी बनी है, डू यू थिंक बुक्स पे मूवी बनाना ठीक रहेगा या ठीक है आपके नज़रिए से? नहीं, अच्छी बात है। आई थिंक देखिए, मूवीज़ को बुक्स चाहिए, मूवीज़ को कहानी चाहिए, तो उनको फ़ायदा हो जाता है अगर एक अच्छी बुक मिल जाती है तो, और बुक्स को प्रमोशन चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, बिकॉज बुक्स के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, दोनों को फ़ायदा है। जब मूवी बनती है तो बुक को फ़ायदा होता है, और बुक की वजह से मूवी बन जाती है, तो आई थिंक लिटरेचर और सिनेमा को मिलाने का मेरा हमेशा से ही आइडिया रहा है, मैं काफ़ी बार किया भी है पहले, और अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई वॉज रीडिंग अ कमेंट के कुछ ऐसे हैं जो बुक पढ़ने वाले, उनका कहना है कि नहीं, जो बुक पढ़ने वाले हैं उनको बुक पढ़ना नहीं, वो है जिनको प्योरिस्ट है, जिनको बुक में जो मज़ा आता है वो शायद उन्हें फिल्म में नहीं आए, पर बुक पढ़ने वाले लिमिटेड हैं और मूवी देखने वाले 10 गुना हैं उससे, तो आई थिंक दोनों तक तो पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल राज है, क्यों है 105 वो है, तो वो राज इसको जानने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। आप मतलब इसका कोई फ्यूचर प्लान है, इसका पिक्चर या फीचराइज करने का, पिक्चर बनाने का आपका? देखते हैं क्या होता है, पहले बुक आए, लोगों को पसंद आएगी, लोगों को अच्छी लगेगी, उसके बाद हम देखें। नहीं, अभी तो यही बुक है। एक बुक को आजकल प्रमोट करना पूरे इंडिया भर में चलाने के लिए मेरे को कई महीने लगेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे, मैंने कहा, बुक से हट रहे हैं, तो मुझे उन्हें बुक्स पे वापस लाना है, तो वो मैं करता हूँ। तो कितना वक्त लगा ये पूरी प्रोसेस बुक ही लिखने में? या 1 साल मुझे लगता है एक बुक लिखने में, तो इसको भी पूरा 1 साल लगा। 1 साल तो मैं डायरेक्टर और एक्टर का नाम नहीं लिया, मैं सबको जानता हूँ, अगर एक का लूंगा तो दूसरा बोलेगा कि यार मेरा नहीं लिया तुमने, तो इसलिए ये पॉलिटिकल सवाल हो जाता है मेरे लिए, तो मैं नहीं बता सकता। ऐसे कोई थॉट्स है दिमाग में? नहीं नहीं, मैं फिल्म के बारे में सच्ची में नहीं सोच रहा हूँ, मेरा काम है बुक चले, लोगों को पढ़े और अच्छा लगे। आजकल हम देखते हैं जिस तरह से, चाहे वो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की ज्यादा बातें हो रही है, थॉट से दिमाग में सोशल कॉज को लेकर, या जैसे आपने कहा आप अपनी बुक से सब कुछ लोगों को बताते हैं अवेयरनेस, तो ऐसा कोई है प्रॉपर कोई सोशल कॉज या कोई ऐसी बातें जो अभी भी आपके दिमाग में? अभी बहुत है, नहीं नहीं अभी तो आगे, हाँ, अभी तो पिक्चर बाकी है, मेरी अपनी लाइफ की पिक्चर बाकी है, और इंडिया के बहुत इश्यूज हैं, और चाहे वो वुमेन्स एम्पावरमेंट हो, चाहे कुछ हो, तो वो शायद धीरे धीरे आगे आगे की बुक्स में आएगा वो सब। तो आपको लगता है जिस तरह से आपने कश्मीर के बारे में, नहीं, आई थिंक अच्छी लगेगी, बिकॉज एक जो जो कहानी में मैं लोग दिखा रहा हूँ, इंसान तो इंसान ही होता है, तो लोगों को समझ आएगा कि वहाँ हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
to TV Next Bollywood.